माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर की जातिगत टिप्पणी से नाराज छात्रों ने दिलीप मंडल और मुकेश कुमार नाम के इन दो प्रोफेसर्स को हटाने की मांग कुलपति से की, लेकिन कुलपति ने पुलिस बुलाकर छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर फिंकवाया और कुछ छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए। लोगों ने इस कांड की शिकायत जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से की है और इन प्रोफेसर और कुलपति के क्रियाकलापों की जाँच की मांग की है। एमसीयू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की समस्या का निराकरण करने के बजाय कुलपति दीपक ने एमसीयू परिसर में पुलिस बुलाकर छात्रों को बाहर फेंकवाया। पुलिस छात्रों को सीढ़ियों से घसीटती हुई ले गई। इन छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि कांटेक्ट पर रखे गए दो प्रोफेसर्स की जातिगत टिप्पणियों से आहत थे और उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी 10 छात्रों पर FIR भी दर्ज करवाई गई है। इसके बाद जातिगत आधार पर छात्र कई गुटों में बंट गए हैं और एमसीयू कैंपस का माहौल खराब हो गया है। अब आप बताएं कि विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के बच्चे क्या करें, उस विश्वविद्यालय के अपाहिज मानसिकता के व्यक्ति को इस विश्वविद्यालय में क्यों रखा जा रहा है, उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है। हमारी मांग है आप बताएं कि क्या कार्रवाई की गई। कल आपकी शिकायत आई थी, आप में से कुछ बच्चे आए थे, कल आए कुलपति जी, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और आज अगर हमको इससे मतलब नहीं है, कुलपति नहीं है या नहीं है, हमको क्या मतलब है उस अपाहिज मानसिकता के व्यक्ति का निलंबन, बर्खास्तगी, निलंबन नहीं बर्खास्तगी क्यों नहीं हुआ, कौन करेगा? वो तो वही तो कह रहा हूँ, वो किस पद पे, आपको पता है ना, वो चाहे जिस पद पे हो उसकी विश्वविद्यालय से उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। पहली बात ये दिलीप मंडल और मुकेश कुमार अस्थायी तौर पर यहाँ पर नहीं है। नाम लेकर मैं बता रहा हूँ, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग जो लोग नीचे आप संविधान लगाए हो, संविधान लगाने के बाद आप बोलने का क्या, सुनिए, दीपक तिवारी हमारे कुलपति दिन रात संविधान का नाम लेते हैं, संविधान की माला जपते हैं और एक ऐसे अपाहिज मानसिकता के व्यक्ति की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है जो संविधान की धज्जियां उड़ा देता है, जाति का और धर्म का नाम लेके बांटता है। कल से कुलपति जी लगातार बाहर है, उस मुद्दे पर सर क्या कुलपति जी से बात हुई? सर एक प्रश्न का जवाब दें, यदि विश्वविद्यालय का कुलपति विश्वविद्यालय से बाहर रहता है तो क्या विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की कार्रवाई नहीं होती है? फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं होगी या नहीं होगी सर? कार्रवाई होगी या नहीं होगी? किसको कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैं जिस चीज के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं कैसे कर दूं? दिलीप मंडल और मुकेश नाम के इन दो प्रोफेसर्स पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है। पीड़ित छात्रों का कहना है एमसीयू प्रबंधन परिसर में जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। यूनिवर्सिटी भवन के 5वें तल पर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दे रहे छात्रों को एमसीयू प्रशासन के कहने पर पुलिस ने सीढ़ियों से घसीटते हुए उन्हें खदेड़ा। छात्र बिलखते रहे लेकिन न तो कुलपति दीपक तिवारी बाहर आए और न ही रजिस्ट्रार दीपेंद्र सिंह। 50 मिनट तक सीढ़ियों पर ही संघर्ष चलता रहा। इस दौरान पुलिस छात्रों को 5वें से 3रे तल तक ही ला सकी। ऐसे में एक छात्र बेहोश हो गया और एक की नाक से खून बहने लगा। बेहोश छात्र को JP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़े विश्वविद्यालय में छात्रों को जाति सूचक शब्दों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में दो ऐसे एडजंक्ट प्रोफेसर हैं, एक का नाम दिलीप मंडल है और दूसरे का नाम मुकेश कुमार है, जो कि छात्रों के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय में यदि कोई टीका लगा के आता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मांग, हमारी अनशन इसलिए है कि इन दोनों प्रोफेसरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। एमसीयू प्रबंधन और छात्रों के बीच पहले सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुलपति ने इस मामले को उलझाया तो छात्रों और प्रबंधन के बीच तलखी खुलकर सामने आ गई। कुलपति का रवैया दोनों आरोपी प्रोफेसर्स को बचाने वाला नजर आया। दिलीप मंडल और मुकेश कुमार के मसले पर एमसीयू के रेक्टर प्रोफेसर श्रीकांत सिंह की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। आदेश में लिखा है कि समिति अगर उपयुक्त समझेगी तो विद्यार्थियों की सुनवाई के लिए आमंत्रित कर सकेगी। इस पर छात्र आपत्ति दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठे थे। छात्रों का कहना था कि समिति में हर डिपार्टमेंट से एक एक या कम से कम 5 छात्रों को स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन एमसीयू प्रशासन ने उनकी ये बात नहीं सुनी और पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद एमसीयू के हालात बिगड़ गए। जातिवाद से जुड़े इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज खासा नाराज है और उसने जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा से पूरे मामले की शिकायत कर ऐसे प्रोफेसर्स को एमसीयू से बाहर करने को कहा है।
आज माननीय जनसंपर्क मंत्री जी पीसी शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा गया है। ये माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक एडहॉक के पद पर दीपक मंडल नामक व्यक्ति हैं, जो सोशल मीडिया में ट्विटर के माध्यम से लगातार ब्राह्मणों को अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हुए और जो मीडिया के चौथे स्तंभ हैं उनको लेकर के कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो 78% लोग काबिज हैं, इस प्रकार से लगातार निरंतर वो अनर्गल भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर किसी भी पद पर रहते हुए समाज को आगे रख करके और किसी भी समाज को इंगित करते हुए जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि दीपक मंडल को तत्काल बर्खास्त किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं वीसी को लिख रहा हूं, हम तत्काल मांग करते हैं और 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है माननीय पीसी शर्मा जी को ज्ञापन के माध्यम से कि दीपक मंडल को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिस जो कि अढ़ाक के पद पर पदस्थ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।